जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वो आ चुके हैं, बप्पा का आगमन हो चुका है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सभी की चहेते ऋषि यानी कि शरद मल्होत्रा। ये मिलते हैं शरद से। शरद बहुत बहुत स्वागत है लाइव। थैंक यू आशुतोष। शरद जी पहले तो मतलब बताइए कितने सालों से आप गणपति रख रहे हैं, गणपति बप्पा का आगमन हो गया है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी आई थिंक ये मेरा 7वां साल है और आई थिंक 6 साल बस यूं ही गुजर गए। कहते हैं ना जो अच्छे पल होते हैं वो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, तो आई थिंक 6 साल इन 6 सालों में जब मैंने पापा को जितनी मैंने पापा का स्वागत किया है इतनी धूमधाम से किया है कि जब वो जाते हैं तो आंखों में जो है आंखें नम हो जाती हैं। खैर जाने की बात तो हम अभी करेंगे क्योंकि आज ही पापा आए हैं और आज ही इनकी स्थापना हुई है और आज पहला दिन है तो मैं बहुत एक्साइटेड। जैसे कि हम देख रहे हैं आपने काफ़ी तैयारी भी की है, मतलब डेकोरेशन भी आप जैसे कैमरामैन दिखाएंगे काफ़ी डेकोरेशन भी किया हुआ है और मतलब काफ़ी तैयारी की है, तो कितना मतलब कैसे समय निकाल पाए शूट और ये सब इतना सब मैनेज कैसे करना है, कितना समय लगा आपको ये सब? देखिए समय ऐसा था कि इस टचवुड इस साल मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा हूँ एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू पापा और उसके बीच भी मुझे पापा का स्वागत करना था ही किसी हाल में भी, तो मैंने सोचा कि 3 दिन ही हो रहा है तो एटलीस्ट 1.5 दिन तो मैं करूँगा ही। तो बस वो शूट के बाद सब तैयारियाँ की, ये सब जो है ये आई थिंक वो कहते हैं ना कि हम कुछ करते नहीं वो हो जाता है, तो बस सब कुछ हो गया और आई थिंक अभी बस आगे का आज की आरती कल की आरती जो है 2 दिन हम बहुत फैमिली फ्रेंड्स आने वाले हैं, सब आप लोग आए हैं, तो आई थिंक अच्छा लगता है कि इन 2 दिनों में इतने लोग आते हैं, सबसे मुलाकात हो जाती है पापा के बहाने, तो पापा का स्वागत भी करेंगे और पापा की सेवा भी करेंगे 2 दिन। वैसे तो मतलब पापा का जो चहेता फिर डिश है उनकी जो मोदक हर कोई मतलब पापा था, तो मतलब क्या कुछ और कुछ आपने आज कुछ क्या खास तैयारी की है उनके खाने? इस साल मैंने ऐसी तैयारी की है कि मैंने इस साल मिठाइयाँ बहुत रखी हैं, मोदक से लेकर मोतीचूर लड्डू, खीर खदम जो है जो बहुत फेवरेट एक बंगाल की स्वीट है वो जो है मेरी सिस्टर वो लेकर आई है, तो वो है खीर खदम है, बूंदी है, पेड़े हैं, बर्फियां हैं, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक प्लस इतने फ्रूट्स भी हैं, तो मैंने सोचा इस बार पापा को जो है आराम से मैं खूब खिलाऊँ और उनका अच्छी से मतलब पूरा जो है उनकी सेवा करें। जैसे आपने बताया कि अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी बिजी चल रहे हैं तो पप्पा की दया से मतलब आपका शो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, सभी कुछ अच्छे चल रहे हैं, तो वैसे तो सभी कुछ आपको बिना मांगे सब कुछ मिल चुका है, तो लेकिन और कुछ ऐसे कोई मन्नत है या कोई अब विश इस बार कुछ की अब मतलब कुछ जो बाकी है ये इस बार पप्पा ये पूरा कर दें ऐसा कुछ? देखिए विश तो डेफिनेटली आई थिंक हम सब जो हैं कुछ ना कुछ विश करते हैं वापस से, आई एम श्योर आप भी करते होंगे, बट ऐसा है कि मैंने भी विश किया था आई थिंक दो साल पहले कि मैं वापस जो है टेलीविज़न में वापसी करूँ एक धमाकेदार एंट्री के साथ, क्योंकि मैंने बीच में 3-4 साल का ब्रेक लिया था, तो वो विश पापा ने पूरी की और मैं महाराणा प्रताप के रूप में आया सबके सामने। फिर मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे बहुत अच्छा काम करना है और ये काम चलता रहे और मैं बहुत बिज़ी रहूँ, इतना बिज़ी रहूँ कि बस, तो आई थिंक वो भी उन्होंने विश पूरी कर दी कि इतना बिज़ी हूँ समझ गया ना मैं क्या करूँ, तो बस आई थिंक बस मैं चाहता हूँ पापा हमेशा जो हैं उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, आई थिंक टेली रिपोर्टर जो है हम पर बनी रहे, आप पे बनी रहे, सब पे हमारे जितने व्यूअर्स हमारे जितने फैंस हैं सब पे बनी रहे, आई थिंक ये जो हैं ये सबके बॉस हैं और आई थिंक आज टीचर्स डे भी है, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कि सबसे बड़े टीचर पीछे हैं बैठे हुए, और सो विशिंग ऑल एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैसे कि जाते जाते आपने अभी टीचर्स डे का भी जिक्र किया, तो पापा भी हैं टीचर्स डे भी है, तो टीचर्स डे से जुड़ा हुआ कोई याद कोई वाक्य ऐसा जो आपको मतलब कोई ऐसी याद है जो आप शेयर? नहीं एक्चुअली मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं आई थिंक जितने भी टीचर्स हैं फ्रॉम स्कूल कॉलेज अभी भी जो है और सबसे बड़े टीचर वो पीछे हैं, आई थिंक हमारे माँ बाप जो हैं हमें कितना कितना कुछ सिखाते हैं, मेरे मॉम डैड जो हैं वो इस साल मेरे साथ नहीं है, वो हर साल मेरे साथ होते हैं बट वो नहीं आ पाए थोड़े बिजी थे, बट ठीक है आई थिंक जितने लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और थैंक्स टू देम कि आज मैं जो कुछ भी सीख पाया हूँ जो कुछ भी उसे सही तरह से मैं उसका जो है मैंने उसका जो उपयोग किया है उसका यूज़ किया है और बस आई थिंक मैं क्या बोलूँ आई थिंक हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड हो या आपका दुश्मन हो या खैर दुश्मन तो होते नहीं बट आपका वेलविशर हो या वेलविशर ना भी हो हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो आई थिंक मुझे लकीली बहुत लोगों ने सिखाया है और मैं आज भी सीखता हूँ, आई थिंक सीखना बहुत ही कमाल की चीज़ है, तो आई थिंक टीचिंग ऑलवेज हैज़ टू कंटिन्यू और जब तक आप आपके टीचर्स हैं आपके आसपास आई थिंक आई एम श्योर आपके अच्छे वेलविशर्स हैं अच्छे गाइड हैं, कभी भी आप जो है आप ज़िंदगी में जो है आप कभी
आप हमेशा सही पथ पर रहेंगे, सही राह पर आप चलेंगे. तो जस्ट विशिंग एवरीबडी वेरी हैप्पी टीचर्स डे, ऑल माई टीचर्स आउट देयर, आई रियली मिस यू, माई स्कूल टीचर्स, माई कॉलेज टीचर्स, माई डायरेक्टर जो अभी हैं वो मुझे कितना सिखाते हैं, वो मेरे टीचर्स हैं. सो या सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टीचिंग एंड लव टू ऑल. थैंक यू. जाने से पहले हम, जैसे कि आपने बताया, तो जाने से पहले सभी दर्शकों, व्यूअर्स को और क्या क्या देखने को मिलेगा एज अ ऋषि, एज शरद, क्या कुछ अब इससे पहले काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहे, हम उम्मीद करते हैं अब से अप्स आए अब जी, तो जी, क्या कुछ देखने को मिलेगा कैसे? देखिए अभी ऐसा है कि अभी अभी जो है आपको फिलहाल तो लोग देख पा रहे हैं कि एक एंग्री यंग मैन जो है टेलीविजन पे, वो ऋषि सिंह बेदी, लेकिन उम्मीद है कि वो जो प्यार जो उसके उसकी ज़िंदगी में था 20 साल पहले वो वापस लौट आए किसी ना किसी रूप में. और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई थिंक बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे पिछले 10 सालों में, 10वां साल है बॉम्बे में, और इतना प्यार मिला है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो मैं कोशिश करता हूँ उसे लौटाने के लिए, बट मैं जानता हूँ मैं उसे लौटा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे. सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी, ऑल द व्यूअर्स ऑफ टेली रिपोर्टर, प्लीज़ कीप वॉचिंग कसम तेरे प्यार की, एंड आई विल कीप एंटरटेनिंग यू. थैंक यू.